हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और फ्रेश न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक बाइक के बारे में दिखा रहा हूँ, एक बाइक के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि काफ़ी लेजेंडरी बाइक है, काफ़ी पुरानी बाइक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है दोस्तों। और वो बाइक है ये जावा। तो ये है दोस्तों, ये जावा बॉबर है, 42 बॉबर है दोस्तों। और आई पास से मैं आपको इसका कुछ खास इंजन और इसका लुक दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिंगल सीट में आता है दोस्तों। जैसे कि आप मार्केट में बहुत सारी गाड़ी हैं, बहुत सारी बाइक्स है अवेलेबल मार्केट में, बट वो डुअल सीट में आता है, ये सिंगल सीट में आता है। ये क्रूज़ बाइक है दोस्तों और ये सिंगल सीट में आता है, जो कि मतलब अभी के टाइम पे इस प्राइस रेंज में ये मार्केट में इकलौती ऐसी है बाइक जो कि इस प्राइस रेंज में इस तरह का लुक दे रही है। क्योंकि अभी क्या है कि बुलेट चला चला के लोग एकदम कॉमन हो गया, बुलेट आपको हर जगह मिलने वाला है और बहुत कॉमन बाइक हो गया। ये बाइक एकदम हटके है, इसका लुक काफ़ी हटके है। और आप पास से एक बार इसका लुक चेकआउट करें दोस्तों, कि सिंगल सीट में एकदम अलग ही लुक लग रहा है। प्राइस जो इसमें जो इसका हेडलाइट है वो एलईडी हेडलाइट है, और साथ साथ जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो भी एलईडी टर्न इंडिकेटर है, काफ़ी छोटा सा है। अब इसे बहुत सारी बाइक में क्या आफ्टर मार्केट जब आप लगाते हैं तो आपको छोटा सा लगाना पड़ता है अगर आप उस तरह आपका इंटरेस्ट है, बट इसमें कंपनी फिटेड ही है, काफ़ी छोटा सा एकदम क्यूट सा लग रहा है। और इसका टायर देखिए, फ्रंट का टायर काफ़ी बड़ा टायर है, 18 इंच का एकदम बड़ा टायर है, जो बहुत सारी बाइक में पीछे होता है इतना बड़ा टायर, बट इसमें ये फ्रंट में है दोस्तों। 334 सीसी का इसका इंजन है। और ये देखिए, जावा ओरिजिनल 1992 का इसमें बैचिंग किया हुआ है ये कंपनी। तो दोस्तों ये देखिए, ओरिजिनल जावा 1929 ये इसका बैचिंग है यहाँ पे। और ये कंपनी जो है ये 1929 की कंपनी है, यानी ये 1929 से अपना सेवा दे रही है, गाड़ियाँ बना रही है, बहुत सारी बाइक्स बनाई है। और ये काफ़ी लेजेंडरी बाइक है। और आइए आपको इसका पीछे दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें डुअल एग्जॉस्ट है और सिंगल सॉकर है, जो कि आपको यहाँ पे सीट के नीचे लगा हुआ है एक सिंगल सॉकर, डुअल एग्जॉस्ट के साथ में आती है। और काफ़ी यूनिक एग्जॉस्ट है इसका, आप देख रहे हैं कि एकदम पतला सा है, आप यूँ समझ लीजिए कोई जो डंडा होता है उससे थोड़ा सा मोटा है ये यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ जो इसका पीछे का जो टायर है और वो मतलब एकदम काफ़ी हटके इसका डिज़ाइन, काफ़ी हटके इसका लुक बनाता है। और इसमें देखिए जो अलॉय है, इसमें अलॉय जो लगा हुआ है वो डायमंड कट अलॉय है और डुअल है, डुअल ये में, तो एकदम डिफरेंट इसका लुक है दोस्तों। आइए आपको इस साइड से दिखाते हैं। पीछे जो इसका टेल लैम्प है, टेल लाइट है दोस्तों, एकदम छोटा सा यहाँ पे टेल लाइट, और पीछे का जो इंडिकेटर है वो भी एकदम इसका जो देखिए कंपनी फिटेड जो यहाँ पे है एकदम कितना अच्छा सा लग रहा है। बट इसमें एक बड़ा सा यहाँ पे आपका नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा प्रॉपर। और दोस्तों इस साइड आइए, आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक है और ABS दोनों में है, और काफ़ी बड़ी है इसका डिस्प्ले। और यहाँ पे आप बॉबर की बैजिंग देख सकते हैं, बॉबर 42 का बैजिंग। और ये जो आपका ये जो लुक है एकदम काफ़ी मैसिव इसको बनाता है, काफ़ी अच्छा बनाता है। और इसका ब्रेकिंग सिस्टम आप देखिए दोस्तों, कि दोस्तों इसमें जो इंजन है लिक्विड कूलिंग इंजन आता है, और ये यहाँ पे इसका ग्रिल है जिसमें कूलेंट वगैरह डलाता है, यहाँ सब कूलेंट इसमें फिल कर सकते हैं। और ये इंजन का देखिए यहाँ पे गार्ड है, इंजन गार्ड भी इसमें लगा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा लो इंजन थोड़ा सा लो इसमें है, तो क्योंकि ये क्रूज बाइक है तो यहाँ पे इसमें गार्ड भी लगा हुआ प्रॉपर आपको, कि किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि डिजिटल है, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें यहाँ पे। अगर आपको लो फ्यूल का इंडिकेटर भी लगा हुआ है, ABS का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिप मीटर वगैरह भी है यहाँ पे इसमें। और दोस्तों ये ब्लूटूथ से भी आप चार्जिंग, दोस्तों ये चार्जिंग पोर्ट है जो कि सी टाइप और ए टाइप दोनों है इसमें। तो दोस्तों इस तरह का इसका फ्रंट का लुक है। और ये देखिए अब मिरर, इसका मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि काफ़ी आपको, आप जब सामने से बाइक चलाएंगे तो काफ़ी एग्रेसिव लुक आपको प्रोवाइड करेगा, काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। और ये आपका फ्यूल टैंक है दोस्तों, जहाँ पे 42 बॉबर जो 42 है उसका यहाँ पे बैजिंग किया हुआ है। ये हो गया आपका सिंगल सीट दोस्तों, और ये इसका आके, अगर आप अलग से लगाना चाहें तो अलग से आप इसमें सीट अटैच करवा सकते हैं, कंपनी फिटेड नहीं आता है इसमें कोई भी सीट, अगर आप लगवाना चाहें तो लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन आप बताएं। और तो दोस्तों इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 2,22,000 है, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका वहाँ पे चार्ज लगेगा गाड़ी का पेपर वर्क में, वो सब
एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा। तो आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।